सब्सक्राइब कीजिए टिप टॉप न्यूज हिंदी चैनल को और बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ICSE 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 14 मई 2018 को घोषित होने जा रहा है। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसे CISCE बोल देते हैं, इसके 10वीं और 12वीं के नतीजे 14 मई को घोषित होंगे। मंगलवार को बोर्ड ने यह घोषणा कर दी है। परिणाम दोपहर 3 बजे तक आएंगे। तो आइए देखते हैं ICSE 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आप कैसे आसानी से अपने मोबाइल में घर पर ही चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे स्टेप वाइज। तो देखते हैं, आइए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, ICSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो कि है www.cisce.org। इस वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं और अनाउंस कर दिया गया है, ये नोटिस बोर्ड सेक्शन में दिया हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस 8:30 PM मंडे 14 मई 2018 को रिजल्ट अनाउंस होगा ICSE और ISC 10th और 12th का। तो इस नोटिस को भी आप ओपन कर सकते हैं, PDF में ओपन हो जाएगा ये। इसके लिए यहाँ पर PDF नोटिस भी दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि 14 मई को 3 बजे एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 10th और 12th का। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी तरह से, जब आपको 10th और 12th का रिजल्ट देखना होगा तो नोटिस बोर्ड सेक्शन में ही 10th और 12th का रिजल्ट का लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपना रोल नंबर या जो भी उसमें डिटेल्स मांगी गई है उसको फिल करना है। उसमें फिल करने के बाद आपको बाद में सबमिट करना है, तो आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन पर सामने दिखाई देगा। तो ऐसे आप अपना ICSE बोर्ड का 10th या 12th का रिजल्ट आसानी से घर पर ही अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं और डेस्कटॉप या लैपटॉप में भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।